हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूवर्स, वेलकम बैक टू विन टेडा। मैं आज की हमारे सॉफ्ट ओवन टेडा की परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ, यानी कि सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके अलावा मैंने यहाँ पे टाटा स्टील, JSW स्टील और टाटा मोटर्स का भी चार्ट सेलेक्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने सिल्वर और GBP USD का फॉरेक्स का भी दिखाएंगे, साथ में बजाज फिनेंस का भी। ओके, सबका एक एक करके परफॉर्मेंस हम लोग चेक करते हैं, क्या परफॉर्मेंस हमारे सॉफ्ट ओवन टेडा ने आज पूरा दिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले निफ्टी का फ्यूचर की चार्ट इंट्राडे टाइमिंग के हिसाब से सेट किया है। किसी को लाइव परफॉर्मेंस, लाइव डेमो, वन डे फ्री ट्रायल आपकी सिस्टम में ओपन करके लाइव में चेक करना है तो कॉल करने का नंबर यहाँ पे सामने आपका डिस्प्ले हो रहा है, तो 8139033994 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो यहाँ पे डे ब्रेक लाइन से मार्केट आज का ओपन हुआ था। इसमें कल की बाई की कंटिन्यूएशन, यानी कि ग्रीन कलर आप पा रहे हो, जो बाई सिग्नल उसके कंटिन्यूएशन गए थे कल, यानी कि मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएशन हो, बाई सिग्नल जब लास्ट में जब बनी हुई थी उसी टाइम काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रहा था। तो कल एक्चुअली तो मार्केट ऊपर ही नहीं गए, कंफर्म सिग्नल था पर ऊपर ही नहीं गए, तो उसका कंटिन्यूएशन आज गए थे, सेम गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद काफ़ी यानी कि टोटली 373 पॉइंट्स ये सिग्नल के हिसाब से आपको मिले, पर कल लेने जैसा नहीं था क्योंकि जहाँ से ब्रेकआउट होने वाला था वहाँ पर साइडवे दिखाया, पर लास्ट में जब क्लोज हुआ था वो नीचे जाए नहीं लगा था, पर आज ओपन हुए थे गैप अप थे तो उसके बाद काफ़ी, तो कल एक्सिट किया तो भी आपको यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट फिर से मार्केट ऊपर गए थे लगभग 15,964 से, मार्केट अभी क्लोजिंग 16,268 तक क्लोजिंग हुआ तब मार्केट बाई में ही था। अप्रॉक्सीमेटली आपको आराम से 350 पॉइंट आराम से आज हाथ में कमा सकते थे, आराम से आपको प्रॉफिट मिल सकता था। ओके, और इसमें कोई हमारा वीडियो पहली बार देख रहे थे उनको बताते हुए, ग्रीन कलर आप आ रहे हो बाई सिग्नल, रेड कलर डाउन आ रहा सेल सिग्नल, तो जब भी सिग्नल आता है कन्फर्मेशन चेक करने के बिना आप एंट्री नहीं ले सकते, यानी कि कन्फर्मेशन के हिसाब से कैंडल कलर, वॉल्यूम बार कलर, प्राइस एंड बाइज, अगर तीनों साथ में कन्फर्म्ड है तो सेकेंड कैंडल के ओपनिंग रेट को एंट्री लेनी है। उसके अलावा आपको रेसिस्टेंस लेवल, यानी कि रेड कलर स्टार ब्रेक करने के उसी टाइम में आप एंट्री लेंगे तो एक्यूरेसी बनती है। तो ब्रेकआउट पॉइंट कल एक्चुअली रेसिस्टेंस ब्रेक करने वाला था तो ब्रेक किया नहीं, जितना ऊपर जा रहा उतना नीचे भी आ रहा था। ओके, तो यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ से आज फिर से मिली है तो इसी पॉइंट से आपको फिर से एंट्री ले 15,953, तो यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हुई थी ये पॉइंट में, तो ये पॉइंट में से फिर से आज क्लोजिंग तक बाई में ही था। ओके, तो सेकेंड यहाँ पे मैंने दिखाने जा रही हूँ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ से सेम ऐसे ही गैप अप ओपनिंग है, तो सेम कल की बाई की कंटिन्यूएशन है, तो आज यहाँ से ब्रेकआउट हुई थी तो 33,787 से लेकर मार्केट क्लोजिंग अभी 34,349 तक मार्केट बाई में ही था। टोटली यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम 644 जब क्लोजिंग हो रहा था कल की सिग्नल की कंटिन्यूएशन में 644 आराम से 600 कमा सकते थे। ओके, तो ये टोटली आज का प्रॉफिट है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने टाटा स्टील का दिखा रही हूँ, टाटा स्टील में तो इसमें बाई सिग्नल मॉर्निंग में लगभग नहीं, कल क्लोजिंग में है, मॉर्निंग में नहीं है, कल क्लोजिंग में है लगभग, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था कल क्लोजिंग में, क्लोज होने के लिए 5 मिनट पहले यानी कि 15:25:111.50 में बाई एंट्री दिए थे, आज पूरा मार्केट बाई में ही था। तो इसमें आज ही यहाँ से ब्रेक गैप अप ओपन था फिर भी ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ से फिर से मिली है 11148.40 वहाँ से लेकर अभी क्लोजिंग तक 11192 तक मार्केट बाई में ही था। टोटली सिग्नल के हिसाब से 80 पॉइंट्स आराम से हमने हासिल किया है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे JSW स्टील, उसमें भी सेम पर उसने आज का सिग्नल है, आज लगभग 920 में 616 में एंट्री दिया था, उसके हिसाब से ब्रेकआउट पॉइंट सेकेंड कैंडल का कन्फर्म सिग्नल था, रेसिस्टेंस ब्रेक करके ही निकली थी, सेकेंड या थर्ड कैंडल में आराम से एंट्री ले सका, वहाँ से नहीं लिया तो भी यहाँ से रेसिस्टेंस फिर से ब्रेक किए थे 625 में, तो वहाँ से लेकर लगभग मार्केट क्लोज होने थे यानी कि 644 तक गए थे, क्लोज होने के वाला था तब 640 था, तो आराम से यहाँ पे ऊपर देख रही हो 24 पॉइंट से भी आज के सिग्नल के हिसाब से प्रॉफिट मिले 24-25 के आसपास। ओके, अप्रॉक्सीमेट। ओके, तो यह नेक्स्ट यहाँ पे टाटा मोटर्स का भी, टाटा मोटर्स में पर कल की बाई की कंटिन्यूएशन है, कल लगभग 1 बजे तो बाई 1:05 के बाद 402 में बाई दिए थे, उसके हिसाब से अगर तीनों टारगेट अचीव किया है 20 पॉइंट्स के हिसाब से आज टाटा मोटर्स में प्रॉफिट में मिला है।
हमने एंट्री लिया था 402 में, 420, आप आराम से 20 पॉइंट्स कमा सकते थे, ओके। और कल मॉर्निंग में सेल था, और अभी कल लगभग सेल भी उसके पहले भी आए थे, वो कल पूरा दिन सेल, सॉरी आधा तक सेल चला गया 1 बजे तक, उसके बाद बाई चालू हुआ था, ओके। अभी तक क्लोज होने तक बाई में ही था मार्केट, ओके। नेक्स्ट बजाज फिनांस, बजाज फिनांस में भी सेम कल की बाई के कंटिन्यूएशन गए थे, और इसमें भी सेम यहाँ पे ऊपर देख रहा 200 पॉइंट लगभग आराम से 200 पॉइंट कल की सिग्नल और आज की पूरा सिग्नल के हिसाब से अब हासिल किया है। तीनों टारगेट अचीव रहा, हमने एंट्री लिया था 5638 में हमने एंट्री लिया था, अभी जब क्लोज होने वाला तब 800 चल रहे हैं। तो इसमें सिग्नल की कंटिन्यूएशन कैरी फॉरवर्ड आपको चाहिए तो ये 15 टाइम फ्रेम में, वो इवन इंट्राडे और क्वेश्चन दोनों साथ में करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सिग्नल पहले ही दिया हुआ है 16 को, तो उसमें से लेकर अभी तक वहाँ सेल बाई में ही है, तो वो कंफर्म हुआ था ये पोजीशन में रेसिस्टेंस ब्रेक किया था, तो वहाँ से ले सकते थे, वहाँ से लिया तो भी आराम से यहाँ पे आज पूरा दिन बाई में ही था, ओके। और अभी जो ये पूरा मैंने दिखाया इक्विटी मार्केट, अभी जो लाइव चल रही हूँ वो सिल्वर का और GBP/USD का दिखा रही हूँ। जो लाइव मार्केट अभी चल रहा है सिल्वर का मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट किया, मैंने पहले भी अपना सबको बताया, ऑलरेडी वीडियो में बताया और लाइव में भी बताया है सबको, सिल्वर और गोल्ड में जब भी रखना है तो आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बेटर रहती है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम 3 दिनों से सिल्वर अभी बाई जोन में ही है, तो आपको यहाँ पे बीच में बाई सिग्नल आए थे तो लगभग आए थे यानी कि 3 बजे कल की तारीख को, तो यानी कि 59,970 में हमने सेल बाई किया था, अभी जो रेट चल रहा है 61,394 यानी कि 1,424 पॉइंट्स अभी कल की सिग्नल के हिसाब से अभी अचीव है। तो आज भी आज मार्केट फिर से ब्रेकआउट मिले थे 61,032 से लगभग अभी 61,412, ओके। तो आराम से इसमें भी हमने 400 पॉइंट्स के हिसाब से अभी भी भाई मैं ही जा रहा, रेसिस्टेंस ब्रेक किया था फिर से ऊपर चली जाएगी, यानी कि रेड कलर स्टार ऊपर दिया है वो रेसिस्टेंस लेवल है, रेसिस्टेंस जब तक कैंडल हमारा ब्रेक हो रहा है तब मार्केट ऊपर ही जाते हैं, और ब्लू कलर स्टार सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट ब्रेक किया तो मार्केट डाउन चली जाएगी। उसके अलावा ये जो चार्ट बार चार्ट आपको पहले भी हमारे वीडियो में बताया है, एक्स्ट्रा कलर ग्रीन और रेड कलर के अलावा जो भी एक्स्ट्रा कलर यहाँ पे दिखते हैं साइड वे मार्केट है, मार्केट रिवर्स होने वाला साइड वे देगा, साइड वे जब भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा, सपोर्ट क्लोज करेगा तो नीचे जाएगी, तब उसी टाइम आपको पोजीशन वहां से एक्सिट कर सकते हो, नहीं है तो रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाएगी, ओके। तो रेसिस्टेंस यहां से रेसिस्टेंस ब्रेक करे जा रहे हैं, फिर से मार्केट ऊपर जाने की ही तैयारी में है, ओके। यहां से ब्रेकआउट पॉइंट में फिर से अभी तक किसी ने नहीं लिया तो फिर से एंट्री करने का मौका है, तब उसी टाइम री एंट्री भी यहाँ पे कॉर्नर में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे GBP/USD का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 30 और 15 दोनों दिखाते हैं, इसमें भी सेम बाई मोमेंट है, बाई मोमेंट यानी कि 16 तारीख को कल की लगभग अभी इवनिंग रात को आए थे, सॉरी क्लोजिंग के टाइम, उसी टाइम सिग्नल बनी थी लगभग 22 यानी कि 10:30 बजे के आसपास से 1.22740 में अपन ने बाई किया था, उसके हिसाब से अभी आज पूरा मार्केट बाई में है। तो अगर समझिए मॉर्निंग में नहीं लिया तो यहाँ पे फिर से आपको ले सकते थे 1.2345, वहाँ से लेकर अभी क्लोजिंग तक मार्केट बाई में ही है, ओके। अभी भी आपको पोजीशन कंटिन्यू कर सकते, रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो फिर से ऊपर जाएगी, ओके। सेम ऐसा ही है 15 में भी कल की कंटिन्यूएशन है, कल लगभग क्लोजिंग में तो इसमें 2100 पॉइंट्स के हिसाब से आज प्रॉफिट मिली है, तो यहाँ से फिर से रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो फिर से मार्केट ऊपर जाए, उसी टाइम किसी को अगेन पोजीशन लेना है तो फिर से ले सकते हैं, ओके। ये टोटली आज का परफॉर्मेंस मैं दिखाया, जो भी है आज का परफॉर्मेंस है निफ्टी बैंक निफ्टी सबका, उसका आपका फॉरेक्स का है। ऐसी किसी को लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कॉल करने का नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, तो ये नीचे टेस्टिमोनियल स्क्रीनशॉट हमारा वेबसाइट का आईडी पूरा डिटेल से लिखा है, तो आपको कॉल करने का नंबर सामने से आपको डिस्प्ले हो रहा है तो इसमें कॉल कीजिए, ओके। थैंक्स।